अज़दवाजी ज़िंदगी क्यों नाकाम हुई, पाकिस्तान क्यों छोड़ा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमायमा खान बोल उठी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में दावा किया कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे, इमरान खान को निशाना बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इमरान खान के मुखालिफीन ने मुझे हदफ बनाया, मुकदमात बनाने और जेल भेजने की धमकी दी। जमायमा खान का बरतानवी अखबार दी इवनिंग स्टैंडर्ड को इंटरव्यू। जमायमा खान ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इम्पीचमेंट से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा, उनकी और मोनिका लुविंस्की की कहानियों में बहुत मुमासलत है। सियासी मुखालिफीन ने उन्हें उसी तरह मोहरा बनाया जैसा कि बिल क्लिंटन के खिलाफ मोनिका को बनाया गया। मोनिका की तरह वो भी खुद से उम्र में दुगने शख्स से वाबस्ता थी। जमायमा का कहना था, इमरान खान को कमजोर करने के लिए उन्हें हदफ बनाया जा रहा था। नवादरात की स्मगलिंग जैसे नाकाबिले जमानत मुकदमात बनाने और जेल भेजने की धमकियां दी गईं, जिस पर उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जमायमा खान ने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लुविंस्की के मुतालिक दस्तावेजी फिल्म बनाई है। 10 किस्तों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म 19 अक्टूबर से बरतानिया में नशर की जाएगी।